देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि एक बार आपको आई ग्लासेस लग गए तो उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते. इनफैक्ट वो एज के साथ आपका नंबर जो है वो बढ़ता चला जाएगा. बट जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो बिल्कुल अलग है. रियलिटी ये है कि यू कुड डू अ लॉट टू नॉट ओनली कंट्रोल योर आई साइट नंबर बट टू रिड्यूस इट. आप उसको रिड्यूस कर सकते हो और आप चाहो तो धीरे धीरे, अगर आप पे वो पेशेंस रहा, अगर आपके वो एफर्ट्स रहे, तो डेफिनेटली यू विल गेट रिड ऑफ दिस फैक्टर. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल HBT. कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशी से रह रहे होंगे. तो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कुछ 5 अमेजिंग टिप्स जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही वंडरफुल काम करेगी. और ना सिर्फ ये आपके नंबर को रिड्यूस करेगी, इसके साथ साथ आपकी आई साइट को इम्प्रूव करेगी, आपकी आईज को बहुत ही हेल्दी स्टेट में रखेगी. इससे पहले बताना चाहूंगी उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया, जो मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कि इससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ अमेजिंग टिप्स शेयर किए थे इसके रिगार्डिंग, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी स्पेक्स वियर करते हैं. क्योंकि जो लोग स्पेक्स वेयर करते हैं ना, उन लोगों को ही पता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है और किस तरीके से अगर वो थोड़ी सी भी गड़बड़ रखे, थोड़ी भी अपनी आंखों में लापरवाही रखे, केयरलेस रहे, तो उनका नंबर निश्चित रूप से बढ़ता है. तो मतलब नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर आपने केयरलेसनेस दिखाई. तो उसी की रिगार्डिंग ही मैंने कुछ यहाँ पे टिप्स शेयर किए थे. तो आप चाहो तो आप मेरी उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग टिप्स हैं और डेफिनेटली वो आपको हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी स्पेक्स लगा हुआ है. तो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वो 5 टिप्स के बारे में जो मैं फॉलो करती, इससे मुझे लगा कि इससे मेरी आईज का जो नंबर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हुआ है. तो वो 5 टिप्स मैं यहाँ पे शेयर करूंगी. डेफिनेटली आप उन सभी टिप्स को फॉलो करना, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट वो आपको देगी. टिप नंबर 1, वॉश योर आईज विद कोल्ड वाटर. हमें क्या करना है, मॉर्निंग में जैसे आप उठते हो तो थोड़ी देर बाद, उठने के बाद आपको ठंडा पानी लेना है और उससे अपनी आंखों में छींटे मारने, उससे अपनी आंखों को धोना है, या फिर बोलो कि अपने आंखों में पानी गिरना है. तो इससे क्या होगी ना कि हमारी जो आई मसल है वो बहुत ही रिलैक्स मोड में रहेगी और आपकी आई साइट इंप्रूव करने में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत ही इफेक्टिव रहता है. सो फ्रॉम टूडेज ऑनवर्ड स्टार्ट डूइंग दिस विदाउट एनी सेकेंड थॉट इन योर माइंड. तो बिना कुछ सोचे आपको क्या करना है, जब भी आपको कभी लग रहा हो ना कि आप बहुत देर तक पढ़ लिए या लैपटॉप में आपने काम किया और आपको लग रहा है कि आई से बहुत पेन हो रहा है, बहुत हेडेक सा लग रहा है, या फिर आपको देखने में बहुत दिक्कत हो रही है, आपकी आंखों में बहुत जलन सी महसूस हो रही है, तो कभी भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ पानी के छींटे अपनी आंखों में मारने, ठंडे पानी के छींटे आपको आंखों में मारने, और उससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको खुद बहुत रिलैक्सिंग मोड में अपनी आईज लगेगी. सो डेफिनेटली यू हैव टू डू दिस फ्रॉम टूडेज ऑनवर्ड. टिप नंबर 2, मसाज. आपको क्या करना है, अगर आपके घर में शुद्ध देसी घी है, किस चीज का, गाय का, तो अगर आपके पास गाय का शुद्ध देसी घी है तो आपको थोड़ा सा घी लेना है और अपने इस टेम्पल एरिया में अच्छे से मसाज करना है. मसाज भी कैसे करना है, मान लो मैंने इस पे अपना घी लिया थोड़ा सा और यहाँ पे सर्कुलर मोशन में आपको अच्छे से मसाज करना है, एटलीस्ट 4-5 to 10 मिनट, और रोज करना है. इनफेक्ट अगर आप कर सको तो इसको दिन और रात दोनों टाइम भी आप मतलब कर सकते हो, कोई इसमें नुकसान वाली चीज नहीं है. इनफेक्ट ये आपको आईज को इम्प्रूव करने में बहुत ही अच्छा रहेगा. ये क्या करेगा ना कि जो आपकी आई मसल है उसको एक टाइप से ताकत प्रोवाइड कर रहा है. जितना घी हमारा खाने में अच्छा होता है, इतना ही घी हमारा लगाने में भी नो डाउटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा. लेकिन यहाँ पे हमें जो कोशिश रखनी है वो ये कि ये मेक श्योर कर लेना कि जो आप घी लगा रहे हो, जो गाय का घी मैंने बोला है, वो शुद्ध देसी घी होना चाहिए. अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट मैं और बता देती हूँ कि इन केस अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप क्या करना कि आप कोशिश करना कि मस्टर्ड ऑयल जो हो ना वो भी शुद्ध मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल आप लेना और उसे भी आप चाहो तो मसाज कर सकते हो. नॉट ओनली एट योर टेम्पल, यहाँ पर ही सिर्फ मसाज नहीं करना, आप अपने फूड पे भी इसको मसाज कर सकते हो. दोनों फूड पे आपको मसाज करना है, मॉर्निंग में भी करना है, नाइट में भी करना है, और अगर दोनों टाइम आपके पास पॉसिबल नहीं है तो दोनों में से किसी भी एक टाइम पर, जो भी आपको सुटेबल हो, आपको मसाज कर लेनी है. टिप नंबर 3, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में. तो एक्सरसाइजेस हमारे यहाँ पे क्या होगी, ट्राई करना कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो ना तो हमेशा स्पेक्स के साथ मत करो, स्पेक्स निकाल के एक्सरसाइज करो. चाहे पेन वाली टिप वाली कर रहे हो, दूर या पास वाले ऑब्जेक्ट को देखने वाली कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो ना अपनी आंखों के साथ, तो स्पेक्स को निकाल दो. स्पेक्स निकालने के बाद ही आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है.
तो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करना है एंड मेक श्योर कि आप अपने नेक की मूवमेंट नहीं करोगे, सिर्फ अपनी आई बॉल की मूवमेंट करोगे। समझो इसमें आपको चाहिए एक पेन, पेन की टिप पर हमें ध्यान देना है। जब भी लगे कि दो ऑब्जेक्ट्स अपीयर हो रहे हैं, जस्ट ड्रॉ इट अवे फ्रॉम योर नोज और ब्लिंक नहीं करनी है अपनी आईज को, मेक श्योर। तो ये थे कुछ एक्सरसाइज जिनको हमें करना है। आप चाहो तो इसको दो तीन टाइम भी कर सकते हो पूरे दिन में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ही आपको देती है। इसके साथ साथ जो एक और एक्सरसाइज है जो मैं डेफिनेटली करती हूँ, किसी भी टाइम कर लेती हूँ, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि मॉर्निंग में ही करना है, इवनिंग में ही करना है, वो है ये वाली एक्सरसाइज। इसको हम बोलते हैं प्रेसिंग वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हैंड है, जैसे लेफ्ट हैंड ये मेरा है, इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है, इन दो फिंगर्स के बीच वाला ये जो एरिया है, इसको हमें प्रेस करना है। और आप देखना कि जब आप इसको ऐसे प्रेस करोगे ना, अंगूठे से ऐसे इसको प्रेस करोगे बीच का एरिया, तो आपको हल्का हल्का दर्द भी फील होगा। वो क्यों फील हो रहा है, क्योंकि आपकी आईज वीक है। फुट एक्सरसाइज, दोनों हाथ लेने हैं, टिप नंबर 4। इसमें हम बात करेंगे कुछ हर्ब्स के बारे में। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिफला के बारे में। त्रिफला बहुत ही अच्छा है, और ना सिर्फ आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इनफेक्ट आपकी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ही अच्छा हर्ब है ये। तो हमें त्रिफला लेना है, कहीं से भी आपको जनरल स्टोर से त्रिफला मिल जाएगा। रोज रात को क्या करना है आपको, सोने से पहले जब भी आपको दूध पीते हो तो हल्के से गर्म दूध के साथ आपको एक चम्मच त्रिफला ले लेना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, और इससे डेफिनेटली आपके जो आई साइट है वो इम्प्रूव स्टेट में आएगी, आपके जो नंबर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। सो टिप नंबर 5, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट। तो हम सबको पता है कि हमारी डाइट का, हमारे लाइफस्टाइल का कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हर बॉडी पार्ट पे। तो जितना अच्छा आपका लाइफस्टाइल होगा, जितना अच्छी आपकी डाइट होगी, तो डेफिनेटली उसका असर आपके बॉडी पार्ट्स पे भी दिखेगा। तो अपनी डाइट आपको अच्छी रखनी है, हेल्दी रखनी है। हम सबको पता है कि जिन जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है, स्पेक्स लगा हुआ है, आप लोग जब भी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते होंगे, तो डेफिनेटली डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करता होगा कि बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खानी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश खा सकते हो, आप फिश के कैप्सूल्स ले सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो। इसके साथ ही बोला जाता है कि आपको दूध वाली चीजें ज्यादा कंज्यूम करनी है, आपको पनीर खाना है, दही खाना है, दूध आप पियो, जितना पी सकते हो 3-4 ग्लास आप दूध पियो। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल है, नट्स है हमारे पास, जिनको अगर आप कंज्यूम करते हो, अगर आप अपना डाइट अच्छा रखते हो, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखते हो, तो डेफिनेटली ये सब चीजें भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपके चश्मे का नंबर रिड्यूस करने में, आपकी आईज को बहुत ही इम्प्रूव, बहुत ही हेल्दी स्टेट में बनाए रखने के लिए। तो ये थे मेरे कुछ 5 टिप्स जो कि बहुत ही अमेजिंग है और डेफिनेटली आपको रिजल्ट देंगे। बस आपको क्या करना है, ट्राई करना है। आप करो, पेशेंस रखो, और ये टिप्स आपको फॉलो करने हैं। आप करो तो कुछ दिन तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, 5 महीने 6 महीने कीजिए। उसके बाद में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते, देन आप मुझे आके कमेंट कीजिए कि मैंने इतने दिन ट्राई किया बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आप ट्राई नहीं करोगे, सिर्फ आपने देखा या एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाले, तो डेफिनेटली फिर तो आपका नंबर रिड्यूस नहीं होने वाला। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका नंबर रिड्यूस हो, या फिर आप भी अपने स्पेक्स से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आप भी स्पेक्स हटवाना चाहते हो, तो डेफिनेटली नेचुरल बहुत सारे तरीके हैं, हमारे पास एक्सरसाइज हर्ब्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कमी होती है कि हम उस चीज को फॉलो नहीं करते, हम उस चीज को एक पेशेंस के साथ लेते नहीं है, करते नहीं है। हमने 2 दिन किया 3 दिन किया उसके बाद हम रुक जाते हैं, या फिर हमारे माइंड में चीज आ जाते हैं कि बस यार कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं होने वाला, इससे बस एक लेजर ही ऑप्शन है, या फिर कुछ नेचुरल चीजों का असर इस तरीके से नहीं मिलता है, आगे इस तरीके से हमारा जो चश्मा है वो नहीं हटता है। बट आप ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको खुद एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आप खुद सजेस्ट करोगे। आई एम डैम श्योर कि जब आप कर लोगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि आपकी आईज बहुत ही काफी हद तक बहुत इम्प्रूव स्टेट में आ चुकी है। तो डेफिनेटली आप खुद ये चीजें दूसरे लोगों को ट्राई
मैं सजेस्ट करूंगी, बताओगे कि ये कितनी ही हेल्पफुल है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आप देख रहे हो HPT by शालिनी, और यहाँ पर वीडियो शेयर की जाती है रिगार्डिंग होम रेमेडीज। हफ्ते में 2-3 वीडियो इसके रिगार्डिंग डाल दी जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इसके साथ ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।